15 वर्षों से भारतीय नौसेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देकर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने बनाया है नया कीर्तिमान। अगर आपका भी सपना है भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने का तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एज वेल एज द ऐप ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस एंड अदर डिफेंस एग्जामिनेशंस। वी हैव आवर ब्रांच in Prayagraj and we have other branches as well as in Bareilly, Dehradun and Gwalior. In this class we will discuss about the types of questions that have been asked in for the Air Force examination related to national symbols. राष्ट्रीय चिन्हों से जुड़े जो भी प्रश्न आते हैं डिफेंस एग्जाम में आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जिन पे हर भारतीय को गर्व होता है। ये कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय ट्री, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, राष्ट्रीय एंथम, स्टेट एम्बलम, राष्ट्रीय कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं अपने ऑफिस में सर्विसेज के में। उसके बाद आता है राष्ट्रीय पशु, उसके बाद अगला है राष्ट्रीय गान और करेंसी, जैसे कि ये है रुपए का सिंबल। ठीक है, इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने पहले पोर्शन की तरफ जो कि है नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज, सबसे पहले ये जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार होस्ट किया गया था सात अगस्त 1906 में। 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। उसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है 3:4 रेशियो में रहता है। इसके अलावा ये पूर्णता खादी से निर्मित होता है, खादी से ही बनाया जाता है, खादी का जो कपड़ा होता है उससे बनाया जाता है। इसके अलावा संविधान सभा ने तिरंगे को माना या एडॉप्ट किया, वो किया था 22 जुलाई 1947 को। तो प्रश्न इसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने किस तारीख को, किस दिनांक में एडॉप्ट किया था, अपनाया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, जैसा कि हम सब जानते हैं मोर है। मोर में भी कौन सी मोर है, पावो क्रिस्टियासिस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। यानी कि प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा पावो क्रिस्टियासिस, जो कि क्या है, मोर का एक साइंटिफिक नाम या कि वैज्ञानिक नाम है, जिससे अक्सर डिफेंस में प्रश्न बनते रहते हैं, चाहे वो आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो या फिर नेवी का एग्जाम हो। इसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी इसको बनाया गया था 1963 में राष्ट्रीय पक्षी मोर को बनाया गया था। मोर का राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टियासिस है। इसके बाद हम अगले चलते हैं नेशनल सिंबल पर, जो कि है अगला सिंबल है राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर एक तरीके से लोगों को जोड़ने का कार्य करता है और ये बताता है सुंदरता या फिर प्योरिटी को। जैसा कि इसमें लिखा है
इवन दो लोटस इज एन एपिटोम ऑफ ब्यूटी, सुंदरता को दर्शाता है, लेकिन इसके अलावा नॉन अटैचमेंट, किसी भी भौतिक चीज से जो जुड़ाव हम लोग रखते हैं उससे भी ये अलग करता है। तो राष्ट्रीय फूल है लोटस या फिर कमल। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए बच्चों कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा कमल। इसके बाद बच्चों अब हम अगले नेशनल सिंबल पे चलते हैं, जो कि है राष्ट्रीय ट्री, राष्ट्रीय पेड़, नेशनल ट्री या फिर राष्ट्रीय पेड़। राष्ट्रीय पेड़ अब हमारा है बनियान का पेड़, बनियान ट्री। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, पहली बात तो इसकी बड़ी बड़ी इस तरीके से अलग से ऑक्सिलरी रूट्स वगैरह दी जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये नेचर को भी प्यूरिफाई करने में मदद करती है और एक तरीके से ऑक्सीजन का भी ये अच्छा स्रोत होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है फिकस बेंग्यासिस। वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंग्यासिस। तो प्रश्न इस पे आपसे ये पूछा जाएगा परीक्षा में कि राष्ट्रीय पेड़ जो कि आपका बनियान का पेड़ है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो उत्तर होगा बच्चों फिकस बेंग्यासिस, और इसको इंडियन फिग ट्री भी बोलते हैं, भारतीय फिग ट्री भी बोलते हैं। ट्री भी बोला जाता है। इसके बाद अगला जो है वो है इसको राष्ट्रीय पेड़ इसलिए माना जाता है, ये एक तो अपनी लॉन्गिटिविटी मतलब जो कि लंबे समय तक रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है ये काफ़ी पुराने समय का है, समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें जटाएं और भी निकल आई हैं, ठीक है, लॉन्गिटिविटी। और इसके अलावा पौराणिक रूप से मिथ्स में या पौराणिक रूप से भी इसको अमर माना गया, इमॉर्टल अमर माना गया है, पौराणिक कथाओं में भी इसका बहुत उल्लेख पाया गया है एक प्रकार से। तो बच्चों अगले नेशनल सिंबल पे चलते हैं। अगला नेशनल सिंबल है हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्र की पहचान, नेशनल सिंबल। ये जितने भी अभी हमने डिस्कस किए ये क्या है, ये भारत देश की पहचान है, एक तरीके से भारत को दूसरे से अलग कैसे दिखेगा वो पहचान है। और एक तरीके से ये सब चीजें जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को गर्व महसूस होता है। एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आप सभी को इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको एक सेंस ऑफ प्राइड देते हैं, गर्व की अनुभूति देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान, भारत देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इसका मतलब क्या होता है कि इसको सर्वप्रथम जानते हैं लिखा किसने था, इसको सर्वप्रथम लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि क्या थे, एक नोबल लॉरिएट थे। नोबल लॉरिएट का मतलब होता है नोबल पुरस्कार विजेता। और प्रश्न इससे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला भारतीय जिसको कि नोबल प्राइज से नवाजा गया वो भी कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका जो हिंदी वर्जन था वो एडॉप्ट अपनाया गया था 24 जनवरी, इसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में, भारत के संविधानिक सभा ने इसको अपनाया था। अपनाने का मतलब ये है कि उस तारीख से अपना जो देश का राष्ट्रीय गान है जिसको हम गाते हैं तो सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, गर्व
गर्वान्वित महसूस करते हैं जब हम गाते हैं, या फिर अपना राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं जहां पर फहरता हुआ, उसके एक एक तरीके से हम लोगों को एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, तो इसको पहली बार इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। इसके बाद बच्चों पहली बार इसको गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अधिवेशन था, जो कलकत्ता का अधिवेशन था, उसमें गाया गया था। अगला जो राष्ट्रीय पहचान है या राष्ट्रीय चिन्ह है वो आती है राष्ट्रीय नदी। भारत देश की जो राष्ट्रीय नदी है वो कोई गंगा माता है हमारी, गंगा रिवर, गंगा नदी भारत देश की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भारत देश की राष्ट्रीय नदी है और इस गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है हिमानी ग्लेशियर से, हिमानी ग्लेशियर जो कि है आपका उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद ये बिजनौर जिले में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र जो होता है वो होता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए ये पद्मा नाम से बांग्लादेश में पहुंच जाती है। और बांग्लादेश में जब ये नदी, गंगा नदी जब मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, तो वहाँ पे उनका नाम हो जाता है जमुना। तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी है, एग्जाम के लिए जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय नदी कौन सी है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है गंगा नदी को, राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है गंगा नदी को। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम अगला जो है अगले पर चलते हैं। अगला है नेशनल जलीय जीव। एक्वेटिक का मतलब होता है जल, पानी, और एनिमल का मतलब होता है जीव। नेशनल एक्वेटिक जीव ये कौन सा है, ये है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं डॉल्फिन नदी है। डॉल्फिन वो भी कौन सी, जो आपकी गंगा नदी में पाई जाती है, गंगेटिक डॉल्फिन भारत देश की एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है बच्चों नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम जैसा कि हम देख रहे हैं चार सिर वाला शेर, उसके नीचे कुछ आकृतियां दी जाती हैं, जैसे कि ये है अशोक चक्र में जैसा कि हम जानते हैं 24 तिल्लियां या फिर 24 स्पोक्स होती हैं। इसके अलावा इसका महत्वपूर्ण क्या होता है, जैसा कि इसमें दिया गया है इन द ओरिजिनल देयर आर 4 लॉयंस, 4 लॉयंस जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा, स्टैंडिंग बैक टू बैक, इसका मतलब चारों एक चार तरफ से खड़े हैं। ठीक है, तो आपको आप जैसे देखोगे राष्ट्रीय चिन्ह आपको कहाँ मिलेगा, कोई अधिकारी की गाड़ी है, कोई अधिकारी का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें आप सत्यमेव जयते इसके नीचे और लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या होता है कि सत्य की विजय हो और सत्य जीतेगा। तो अगर आप मेहनत से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी भी विजय होगी और आप एक अच्छे एयरमैन या फिर आप एक नेवी सेलर बन जाओगे। ठीक है, इसमें हम लोग अगले आ जाते हैं। कुछ इसमें एनिमल्स जानवरों का भी वर्णन होता है, जैसा कि हम नीचे इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इमेज वैसी है, तो जैसा कि है एलिफेंट होता है, उसके अलावा क्या होता है घोड़ा, उसके बाद बैल के अलावा क्या होता है शेर, इन सबको एक व्हील के द्वारा अलग किया जाता है, ये जो आप देख रहे हो इसके द्वारा इसको अलग किया जाता है और इसको
पहली बार नेशनल एम्बलम को जो एडॉप्ट किया गया था, भारत का नेशनल एम्बलम बनाया गया था, वो बनाया गया था 26 जनवरी 1950। किसके द्वारा? माधव सोने द्वारा इसको बनाया गया था नेशनल एम्बलम। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर या फिर नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर को भारत देश ने शक संवत को नेशनल कैलेंडर माना है। शक संवत को, जो कि आपका शक संवत एरा शुरू होता है 78 AD से आपका शक संवत प्रारंभ होता है। वहां से हम लोगों ने इसको अपना माना है जीरो ईयर। वहां से क्या है हम लोगों का बेस, वहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना कैलेंडर ईयर। तो अभी जैसे वास्तविक में अभी 2021 है, इसमें अगर 78 ऐड करते हैं अभी जो साल चल रहा है वो ये चल रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने 78 एडी को अपना बेस ईयर माना, बेस मान के चला कि यहां से क्या है हम लोगों का कैलेंडर का जो सुविधा है जिसका हम डे टू डे लाइफ में उपयोग करते हैं, जिसके वजह से हम आप जुड़े हैं, हमें पता चलता है कि इस तारीख को हमारे एग्जाम है, इस तारीख को हमारी छुट्टी है, वो सब मालूम चलता है सक कैलेंडर से। जैसा कि इसमें बताया गया 365 दिन का होता है, और इसको एडॉप्ट किया गया था, इसको मान्यता मिली थी 22 मार्च 1957 में। इसके अलावा क्या है, ये इन जगहों पर उपयोग होता है, जैसा कि गजट ऑफ इंडिया, जो भी सरकारी गजट तैयार होते हैं उन सभी में जो सक कैलेंडर होता है उसको माना जाता है नेशनल कैलेंडर सक एरा वाला। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी ब्रॉडकास्ट होंगे, इसके अलावा गवर्नमेंट को जो भी कैलेंडर जिसमें क्या तिथियां दी जाती हैं और छुट्टी कब है, कब आपका कौन सा त्योहार है, राष्ट्रीय कैलेंडर उसको घोषित किया गया है। इसके बाद अगला हम चलते हैं नेशनल एनिमल है हमारा टाइगर। टाइगर को हमने नेशनल एनिमल बनाया है, लेकिन इससे पहले, टाइगर से पहले शेर हुआ करता था। लॉयन वॉज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टिल कब तक था, 1972 तक, 1972 तक राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल भारत देश का जो था वो था शेर, ना कि चीता। उसके बाद 1972 में जब आया टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, टाइगर को बचाने के लिए कानून आता है, और उस कानून के बाद 1972 में जब ये कानून आता है, उस कानून के बाद से ही इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है, नेशनल एनिमल घोषित कर दिया जाता है, जिसका कि साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस, वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। ये क्या है, ये बच्चों साइंटिफिक नाम है। प्रश्न आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि है चीता, टाइगर है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम उसका है पैंथेरा टिग्रिस नाम है उसका। बच्चे इसको गौर से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में आते हैं वो घुमा फिरा के अक्सर यही प्रश्न आ जाते हैं, जो कि आपके क्या है स्टैटिक जीके का एक पोर्शन है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय गाना है हमारा वंदे मातरम राष्ट्र वंदे
मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जैसे कि हम मैंने बताया नेशनल एंथम, नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान है, जनगण मन अधिनायक जय है, जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रीय गाना जो है हमारा, राष्ट्रीय सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है, और इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी को के द्वारा, और इसको लिखा गया था। उनका एक फेमस नॉवल है, फेमस नॉवल है आनंद मठ, आनंद मठ में इसका वर्णन किया गया है, जो कि आनंद मठ एक किताब है, नॉवल है, जिसमें क्या है आपको सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था बंगाल में, सन्यासी विद्रोह जो बंगाल में हुआ था, झारखंड के एरिया में हुआ था, कुछ क्षेत्रों में हुआ था, उसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा ने अपनाया था, संवैधानिक सभा ने इसको बच्चों क्या किया था, अपनाया था। तो इसमें प्रश्न आता है किस तिथि को, किस तिथि को राष्ट्रीय गाना को, नेशनल सॉन्ग को कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनाया था। इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। और उसको ये गाया जाता है जैसे कि आपके कोई भी कल्चरल फेस्टिवल हो, कार्यक्रम हो, जो भी सरकारी कार्यक्रम हो उनमें उसको गाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट है भारत का आम, भारत का राष्ट्रीय फ्रूट या राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल है मैंगो, आम सभी लोग खाते हैं, इसीलिए ये क्या है भारत का आम, फलों का राजा है, फलों का राजा है, इसीलिए राजा है। और भारत का जो कि राष्ट्रीय फल है वो भी क्या है, आम है। जैसा कि इसमें लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर ने 1,00,000 आम के पेड़ लगाए थे, 1,00,000 आम के पेड़ लगाए थे। कहां पर बच्चों? दरभंगा में। दरभंगा कहां पर है? बिहार राज्य में, दरभंगा जिले में अकबर ने अपने शासन काल के दौरान 1,00,000 आम के पेड़ लगवाए थे, जिनको अभी हम क्या कहते हैं, लाखी बाग, लाखी बाग। तो प्रश्न इस पे ये पूछा जाएगा आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल इनमें से कौन सा है? उत्तर होगा आपका मैंगो, ये जो बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है मैंगो, खाने में भी बहुत मीठा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है, इसके बाद अगला आ जाता है करेंसी, रुपया, ये तो अक्सर चर्चा में रहता है, पैसा, रुपया, ठीक है। इसको 2010 में ये सिंबल बना गया था, उससे पहले क्या था, हम लोग इस तरीके से RS को उपयोग किया करते थे रुपए के रूप में, जब भी लिखा करते थे RS। अभी क्या है, अभी इसको हमने अपना राष्ट्र करेंसी का पैसे का एक सिंबल बना दिया गया है। आप अपने पैसों में देखोगे रुपए के पीछे रुपए का जो सिंबल है वो ये है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक देश की करेंसी से ही आप जान सकते हो कि वो देश कौन सा है, किस स्थिति में है। ठीक है, तो इसको 2010 में इसको एडॉप्ट किया गया था, 2010 में बनाया गया था, 15 जुलाई 2010। इसके बाद अगला आ जाता है, इसको एडॉप्ट किया था 15 जुलाई 2010 को सरकार ने। अब पूछा जाता है कि इसको डिजाइन किसने किया था, डिजाइन जिसने किया था वो थे उदय कुमार जी। एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2010 में, कि एक करेंसी मुद्रा के लिए एक चिन्ह चाहिए, वो चिन्ह के लिए एक कंपटीशन आयोजित किया जाता है, जिसमें कि आईआईटी बॉम्बे के
परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट उदय कुमार विजयी होते हैं और उनका जो सिंबल था ये वाला, ये बन जाता है मुद्रा, मुद्रा का चिन्ह, भारत में मुद्रा का चिन्ह बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये थी आज के जो प्रमुख चिन्ह होते हैं, नेशनल सिंबल होते हैं, जो आपको एक तरीके से गर्वान्वित महसूस कराते हैं। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाकी लाइक टू आर यूट्यूब चैनल फॉर मोर फ्रेश कंटेंट एंड डू विजिट आर सेंटर एट प्रयागराज, देहरादून, ग्वालियर एंड रांची। थैंक्स एंड डू प्रेस द लाइक बटन। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।